दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इखलाक। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि HDFC पेटीएम HDFC ने जो लॉन्च किया है, दोनों का टाइप है पेटीएम और जो है HDFC का। तो यहां मुझे जो है पेटीएम की तरफ से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था और मुझे लगभग जो है एक महीना होने वाला है यूज़ करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक के जो ATM कार्ड जो मिला हुआ है, क्रेडिट कार्ड जो मिला HDFC का। तो मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने उसमें से करीबन मुझे 125,000 की लिमिट मिली थी, तो मैंने लगभग 42-43,000 रुपये उसमें से खर्च कर लिए हैं। तो अभी तक के यहाँ पे बिल जो है वो जनरेट नहीं हुआ है, शायद कुछ समय लेगा जनरेट होने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड को ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये रहा नीचे क्रेडिट कार्ड्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे ले करके जाएगा क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मुझे कितना बिल मैंने जो है जनरेट किया है, कितना पेमेंट यहाँ पे मैंने खर्च किया है। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन इनेबल पे करेंगे क्लिक, इनेबल ऑनलाइन पेमेंट पे। तो ये माई कार्ड्स पे ले करके आया है। अब यहाँ पे हमें जो है अपना मोबाइल नंबर डाल के, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो कि HDFC का जो रजिस्टर है पेटीएम में जो रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के एंटर करना होगा। तो ये मेरा कार्ड माई कार्ड सेक्शंस में लेके आया, तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के एंटर हो जाते हैं जिस नंबर पे मुझे क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है। तो दोस्तों नंबर एंटर करने के बाद गेट OTP पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमें पास एक OTP आएगा, तो ये इंटरनेशनल रोमिंग पे सिम है, मैं इधर बहरीन में हूँ, जियो का मैं सिम यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर देख सकते हो आप R बन के आ रहा है। तो यहाँ पे OTP आ गया है मेरे पास 944278। तो OTP इंटर करने के बाद सबमिट पे कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे माई कार्ड सेक्शंस में लेके आया है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पूरा। ये देखिए पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, तो ये यहाँ पे क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो लिमिट्स है वो मैं 45,777 रुपये 28 पैसे में यूज़ कर चुका हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो 79,522 रुपीज़ 0.72 पैसा बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है और भी सब चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्लिक करके आप जितने भी ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं यहाँ पे वो चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा जो है खर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेटीएम में, रिलायंस में, पेटीएम में, फ़ोनपे में, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खर्च करी है। मैं आपको रिवॉर्ड भी, इसमें आप खर्च करोगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 533 पॉइंट है हमारे पास, 533 पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग इसको जो है पे करना चाहते हो तो भी पे भी करने का ऑप्शन यहीं पे आपको मिल जाएगा। पूरा जो है यहाँ पे कंट्रोल आप कर सकते हो पूरे कार्ड्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके आप पे भी कर सकते हो। तो ये मैं अभी पे नहीं करूँगा, हमारा जो स्टेटमेंट जो है जनरेट होगा वो यहाँ पे 23 को जनरेट होगा। तो अभी मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करूँगा, 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में यहाँ पे मैं पेमेंट करूँगा। तो ये रहा, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई भी एक रुपये भी मुझे एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एक रुपये भी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पे नहीं किया है। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे एक नए दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक स्मार्ट पे का है और एक सेविंग कैलकुलेटर का है। तो मैं यहाँ पे सेविंग कैलकुलेटर पे क्लिक करके चेक करूँगा क्या यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे मंथली एक्सपीरियंस ऑन के हिसाब से है, स्टैंडर्ड वगैरह ये सब आप रिवॉर्ड वगैरह यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं।
तो ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ, मेरे मतलब का नहीं है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा है नया स्मार्ट पे, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो स्मार्ट पे में जो है वही है सब, बिल पे करने के लिए बता रहा है, रजिस्टर करने के लिए नेट बैंकिंग से, तो इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। जब भी मुझे यहाँ पे पेमेंट करना होगा तो यहाँ सिंपल सा ऑप्शन आ रहा है, पे नाउ पे क्लिक करके मैं इसको पे कर सकता हूँ। तो पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शन मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे कर सकता हूँ, बाकी फ़ोनपे है, पेटीएम का खुद का है, तो इस तरीके से। तो ये जो मैंने कार्ड मुझे मिला है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी सारे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। आप लोगों ने भी अगर अभी तक के अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इनकी एनुअल चार्ज तो नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और जो है अगर आप 5,000, वैसे इनकी मंथली फ़ीस है कुछ 35-40 रुपये फ़ीस है, अगर आप जो है 5,000 से ऊपर का पेमेंट कर देते हो तो वो भी आपकी फ़्री हो जाएगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय।